फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त इसमें। चलो आपको ये वीडियो में बताऊंगा, जो ये मुर्गी के बच्चों को पीछे देख रहे हो ना, इस तरह इसका वेस्टेज चिपक के मर जा रहे हो, तो क्या करना है। इसकी वजह बोलूँगा कि किस वजह से ऐसा चिपक रहे हैं और क्या करना चाहिए उसको इलाज, ये दो डिटेल से बताऊँगा, अंत तक देखते रहिएगा। आपको एक बात याद रखनी है, जिस तरह जैसे वो बच्चों को देखे हो उस तरह चिपकेगा तो एक 8 दिन तक जिएंगे बच्चे, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। कुछ कुछ बच्चे सुबह तक या 2 दिन 1 दिन इस तरह पर मरना तो कंपलसरी है। वो बच्चे किस वजह से, एक कॉक्सी वायरस कहकर एक रहता है, ये वायरस के बारे में अंत में बताऊंगा डिटेल से, पहले वजह जान लीजिएगा ये किस वजह से आता है। इसका कॉक्सी वायरस कहकर एक 50% वजह है। उससे पहले क्या होता है, जब आपकी गलती क्या होती है, जब अंडे में से बच्चा निकलता है ना, तब गुड़ का पानी 3 दिन तक देना चाहिए। उसके साथ साथ लियोडॉक्स कहकर एक पाउडर मिलती है, वो भी देना है। उसके बारे में मेरा एक यूट्यूब में वीडियो है, वो जो सब्सक्राइब करने से वो मेरे हर वीडियोस आपको आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको 3 दिन तक गुड़ का पानी देना है, उसके बाद लियोडॉक्स कहकर पाउडर रहती है, वो शाम में देना है आपको। उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि किस तरह डालना है, वो वीडियो आपको डिटेल से पता चलेगा। आपको सब ये वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। ये गुड़ का पानी ना नहीं देने के कारण एक होता है, उसके बाद लियोडॉक्स पाउडर ये भी ज़रूरी है देने का। उसके बाद आपको फीड, उसका जो खाना है किस तरह देना है आपको, एक 60% मकई देना है, 60% मकई में 20% ज्वारी मिलाना है। ज्वारी मिलाकर थोड़ा कलवंदा और जो तुलसी के थोड़े पत्ते और जो सूजनी की फली कहते हैं ना, तो वो थोड़ी फली नहीं डालना है, पत्ता या फूल डाल सकते हो, और थोड़ा पुदीना, इस तरह सब मिक्स कर आपको याद रखनी है। मकई 60% और 20% ज्वारी, 80% हो गया है। और कुछ हाँ, एक बात और याद रखनी है, 60% मकई हो गई है और 20% आपको क्या डालना है, ज्वारी डालना है। और 10% या 15 से 20% भी डाल सकते हो, 10 से 15 डालिएगा, कोंडा डालिएगा जो राइस मिल में मिल जाएगा आपको ये। इसके बाद आपको तुलसी, ये कलवंदा जो बोला हूँ मैं, वो पत्ते सब एक साथ मिक्स कर दे के उनको देना है। जो एंटीबायोटिक रहते हैं वो वेदर फेकिंग कहकर, मुर्गी के बारे में जो वेदर चेंज होते रहता है ना, तो मुर्गी को उसका जो टेम्परेचर रहता है और वो वेदर के हिसाब में कन्वर्ट करती है, ये जो आयुर्वेदिक जो डाल रहे हो आप, इसलिए आपको वजह ये हो गई। आप फीड एक ही मकई या ज्वारी या कनकी तो बिल्कुल नहीं डालनी है, चावल कनकी ये डाल रहे हो तो ऐसा चिपकेगा। फिर भी आपको रेयर केसेस ऐसा एक आध बच्चे को चिपक रहा है तो आपको क्या करना है, कॉक्सी वायरस कहकर रहता है, कॉक्सी वायरस कहकर ये जब बच्चों को आता है तो बच्चों की साइज बढ़ती नहीं है, बस जितने रहते हैं उतने ही रहते हैं, जब पीछे चिपक जाता है ये कॉक्सी वायरस। और एक भी वजह हो सकती है, ये दो वजह है, इसीलिए आपको कॉक्सी वायरस को कॉक्सीडोसिन बोलकर एक मेडिसिन मिलती है, जो आप हैदराबाद से लाना चाह रहे हो तो धक्कन होम्यो कहकर रहती है मेहंदीपट्टनम में, वहाँ पर मिल जाएगी ये कॉक्सीडोसिन, इसीलिए वो दवा यूज़ करें और गुड़ का पानी दे बीच बीच में, तो ये दिक्कत नहीं होगी। और आपको याद रखनी है, खाने में बदलाव करना है, एक ही नहीं देना है, बस ये दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे हर इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।